वो आंदे सार जड़ा है ग्रंथी सिंघां दे जड़ा कुसा नुमकी करदा थप्पड़ मारदा उन्हां दस्तार लैंदी है। चौर साहब कर रही बीबी दे नाल भी बदसलूकी उह बंदा करदा है। कहण दा भाव वेखण वास्ते बहुत ठीक लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है, सही लग रहा है, कपड़े भी उन्हें सही पहने हुए है। हुण उन्हें बेदबी की महाराज साहब की तो शायद इस तों बाद जिहड़ा है उन्हें मंदबुद्धि एलानिया जाऊगा, उन्होंने एलानिया जाना कि इहदा डॉक्टरी इलाज चलता है, इहदा दिमागी संतुलन विगड़िया होया है। जबकि गुरद्वारा साहब दे विच होर बहुत सारिया चीजा हुंदियां ने जिहदे नाल अपना नुकसान भी करवाया जा सकता है ते फायदा भी करवाया जा सकता है। मरिंडा गुरद्वारा साहब विखे जिथे कि छोटे साहबजादों नूं एक रात वास्ते रखा गया सी, उस जगह ते गुरद्वारा साहब दे विच महाराज साहब की वैदबी जड़ा है कीती गई है। एक शख्स दे वल्लों जिहड़ा कि दस्तारधारी है वेखण नूं हट्टा कट्टा लगता है अते एकोदम दाखल हुंदा है गुरद्वारा साहब दे विच, आउंदिया सार बूट उन्हें पाए हुए है जिहड़ा वीडियो तो पों जजमेंट हुंदी है। बूट पाए ने सीधा दाखल हुंदा है, चौर साहब एक माई कर रही है। वह आउंदिया सार जिहड़ा है ग्रंथी सिंघां दे जिहड़ा है कुसा नुमकी करदा थप्पड़ मारदा उन्हां दस्तार लैंदी है। चौर साहब कर रही बीबी दे नाल भी बदसलूकी उह बंदा करदा है। कहण दा भाव वेखण वास्ते बहुत ठीक लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है, सही लग रहा है, कपड़े भी उन्हें सही पहने हुए है। हुण उन्हें बेदबी की महाराज साहब की तो शायद इस तों बाद जिहड़ा है उन्हें मंदबुद्धि एलानिया जाऊगा, उन्हें एलानिया जाना कि इहदा डॉक्टरी इलाज चलता है, इहदा दिमागी संतुलन विगड़िया होया है। जबकि गुरद्वारा साहब दे विच होर बहुत सारिया चीजा हुंदियां ने जिहदे नाल अपना नुकसान भी करवाया जा सकता है ते फायदा भी करवाया जा सकता है। फायदा लंगर प्रशादा बैठ के छकया जा सकता है, बाणी सुनी जा सकती है। नुकसान कई गुरद्वारा साहब दे विच प्रातन खूह बने हुए है, खूह उन्हां दे छाल भी मारी जा सकती है। गुरद्वारा साहब दे विच बिजली का प्रबंध भी है, बिजली दीआं नंगीआं तारां नूं हत्थ पा के जान भी दित्ती जा सकती है। पर ना तो बिजली दीआं तारां नूं हत्थ पाया जांदा, ना खूह छाल मारी जांदी है, ना कंध कौले नाल सिर मार के जिहड़ा है अपना सिर पड़वाया जांदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहब सच्चे पातशाह महाराज की बेदबी की जाती है, होर कुछ भी नहीं किया जाता। ये बहुत घटनावां जिहड़ियां इदां दीआं घट चुकियां ने। चंगे भले बंदे जिहड़ा है महाराज साहब की बेदबी करते हैं, उस तों बाद जो प्रशासन के हाथ विचों आ जाते हैं उन्हां दा वाल विंगा नहीं हुंदा। ते जेकर वाल विंगा हो भी जाए तो वाल विंगा किन्ना कहूगा उन्हां दा, क्योंकि इहदे उपर तारा किहड़ी लगनी है, इहदे उपर तारा किहड़ी लगेगी 295, इस तों वधेगी जेकर 295A, इस तों वध कोई तारा नहीं उहदे उपर बनी। तो जे 295A तारा लग गई तो ट्रायल सही चल गया, सही ट्रायल चल के उन्हूं सज़ा होगी। किन्नी सज़ा होगी उन्हूं? 2 साल की, 1.5 साल की, साल की। आ मल के बेदबी की है प्रेमियों ने, इन्हों किन्नी सज़ा होगी? तो जे इन्हों सज़ा 3 साल की इन्हों हुई है तो जेल तो गए नहीं, बारे बार जमानत होगी इन्हों की। सज़ा अदालत ने कर दी, मलके बेदबी हुई महाराज साहब दे अंगां दी, डेरा प्रेमियां सरसा वाले ने सौदा साधियां ने की बेदबी। हुण बेशक जिहड़े मुख गवाह ने भाई गुरसेवक सिंह जी फौजी साहब उन्होंने सज़ा दे विच वाधा करन वास्ते केस भी अगे दाखिल किया होया। कहण दा भाव मैं गल कर रहा हां कि सज़ा वध तों वध 2 साल, वध तों वध 3 साल, इस तों वध सज़ा नहीं है। ते हुण खौरे ने किन्ने पैसे लए आ, खौरे किहदा पेड़ किया होया? ਇਹ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ? 2-3 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟਣੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
सरकार ने उन्हें फड़न वास्ते की कुछ किया? तीन दिन नेट बंद रहा, किवें सीआरपी सब कुछ भाव के इतने पंजाब की कुछ आ सारे लोग जानते हैं चंगी तरह। तो हम की ये सरकार नू, पंजाब सरकार नू दीदा नहीं है कि इदा घटनावां किन्नियां हो गईआं, इन्हां दे उपर कोई सख्त कानून बनाउण दी लोड़ नहीं है? क्यों नहीं सख्त कानून बनाए जा रहे जो दूजियां सरकारां सन? उदों ही लोग भगवंत मान वर्गे लोग जिहड़े सन उह कहिंदे सन कि साडियां सरकारां होण ते कोई चूं करके विखावे, अज चूं हो रही है, ये सारा कुछ किया जा रहा है। क्यों नहीं सरकार इहदे उपर कानून बनाउंदी? श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं की कहा जाता है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं प्रगट गुरां की देह मन्निया जाता है। तो जो देह का नुकसान हुंदा तो उपर धारा कि लगती है? जे देह की डैथ हो जाती है धारा 302 लगती है, जेकर उहदे उपर हमला किया जाए, जानी हमला किया जाए 307 लगती है। तो जे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रगट गुरां की देह वांग सिख जानता है तो दर्जा उन्होंने प्राप्त है, तो फिर क्यों नहीं 302 लगनी चाहिए? फिर क्यों नहीं 307 लगनी चाहिए? ये सरकार को जोड़ा है कानून पास करना चाहिए, मता पास करना चाहिए, कानून नवा बना चाहिए, 295 ये धारा बदलना चाहिए, यह आर्टिकल बदलना चाहिए। जो कश्मीर वास्ते धारा 370 जी है उन्होंने खारिज किया जा सकता है, तो यह भी किया जा सकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के जेकर अदब सन्मान सत्कार चाहुंदियां ने सरकार बहाल रखना, जेकर सरकार चाहुंदियां ने इदां दी घटनावां ना होण जिहदे नाल पंजाब दा माहौल खराब हुंदा है, जिहदे नाल इदां दे लोकां नत्थ पाई जा सकदी है, तां सरकारां नूं इन्हां मसलां दे वल ध्यान देना चाहिए। सरकारां नूं इन्हां लोकां नूं जिहड़ी सजा है, क्योंकि सरकार जिहड़ी सजा देगी ये असीं बहुत चंगी तरह समझदे हां, सरकार ने दायरे विच रह के सजा देनी है, सरकार दायरे च रह के काम कर सकती है, कानून दायरा नहीं भंग कर सकता। असीं इस गल नूं मनदे हां, समझदे हां इस गल नूं कि कानून ने दायरे में रहना, पर यह कानून का दायरा वधाया जा सकता है, जिहड़ा गुनाह यह किया जा रहा है दायरा जिहड़ा सरकार वधावे, तां जो इदां दी घटनावां द्वारा जन्म ना लैन। ते नाल लगदी इक मैं गल कहना चाहुंदा हाँ, अज उस जिस शख्स ने बेदबी की है उहदे नाल थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हुई है, हथां पैरां नाल जो उहनूं माड़ा मोटा कुटिया मारिया गया, इन्ना की होया उहदे नाल, ते जे उहदियां लत्तां बांह वढ़ियां जांदियां, गुट कट दित्ते जांदे, बांह वढ़ दित्ती जांदी, लत्त वढ़ दित्ती जांदी, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ ਗਾੜ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਟਮਕਾਂ ਬਣੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕੇ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।